जम्मू कश्मीर जब से अनुच्छेद 370 से मुक्त हुआ है तब से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बौखलाए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में तिरंगे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था जिससे करारा जवाब भाजपा ने दिया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहराकर उन्हें यह संदेश दिया है कि हिंदुस्तान में सिर्फ तिरंगे की बात होगी और किसी भी झंडे के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा कर रखी थी। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दीवार पर चढ़कर ऑफिस पर पीडीपी का झंडा उतार कर तिरंगा फहरा दिया। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के तिरंगे ना थामने के बयान पर अब सियासी हमला तेज हो गया है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का विरोध करने के लिए रविवार को भी भारी संख्या में युवा पीडीपी दफ्तर पहुंच गए और उनके कार्यालय के बाहर तिरंगा फहराया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। गौरतलब है कि सोमवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की और वंदे मातरम का जय घोष किया। युवाओं ने जब पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की तो भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। वहां पर काफी देर तक पीडीपी नेताओं और युवाओं के बीच बहस भी होती रही। इससे पहले रविवार को भी एबीपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पीडीपी के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की थी। अनुच्छेद 370 की बहाली पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का तिरंगे को लेकर दिया गया बयान अब उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। कुपवाड़ा से आए कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया। हालांकि इलाके में धारा 144 लागू होने और महज एक रैली की इजाजत होने की वजह से पुलिस ने तिरंगा फहराने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, आज ही तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। उल्लेखनीय है कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती हाल ही में नजरबंदी से रिहा हुई थी जिसके बाद से घाटी में राजनीतिक हलचल बढ़ी है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में तिरंगा पर बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने मिलकर एक बार फिर अनुच्छेद 370 को वापस लेने की मांग की है। पार्टियों की ओर से एक गठबंधन बनाया गया है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि जम्मू कश्मीर के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगे, जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को ही उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा जिसे डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ नहीं उठाएंगे। वो झंडा हमारे आईने का हिस्सा है, हमारा झंडा तो ये है, उस झंडे से हमारा रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इसी बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज पीडीपी के दफ्तर के बाहर तिरंगा फहराया। Let's go.
की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.